आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं पोर्ट विलियम में सेलुलर जेल की ओर, जहां हमारे देशभक्तों को पहले यहां काला पानी की सजा दी जाती थी। तो अब हम चलते हैं सेलुलर जेल की ओर। एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, देखिए कितनी भीड़ है यहाँ। इसीलिए बताऊँगी नज़ारे देखते हैं वहाँ के नज़ारे कैसे। तो फ्रेंड्स, हमारे सब्सक्राइब की डिमांड थी कि हम लोग ड्राइविंग ज़्यादा लगाते हैं, लोकेशन का कम दिखाते हैं। तो इस बार हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोकेशन ज़्यादा दिखाएंगे आपको, लोकेशन भी ज़्यादा दिखने को मिलेगा और ड्राइविंग कम दिखाएंगे। बताया था कि हम सरप्राइज हो गए थे, तो सो देखिए आज झंडा लग चुका है यहाँ। ये हमारे महात्मा गांधी। सो गाइस, मैं यहाँ पे 2011 में उत्तराखंड की टीम से, उत्तराखंड नेशनल की टीम से मैं यहाँ फुटबॉल खेलने आई थी। तो इस स्टेडियम से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी थी, मेरा बचपन मतलब। देखिए गाइस, आज संडे होने की वजह से पूरी रोड भरी भरी से दिख रही है, पूरी भरी भरी रोड मिल रही है, सारे लोग घूम रहे हैं। ये देखिए गाय भैंस भी वॉक करने के लिए आए हुए हैं, जैसे कि आज संडे है तो सब बाहर निकले हैं, घूम रहे हैं। और ये नेताजी स्टेडियम ऊपर से ग्राउंड दिख रहा है। गाइस, सो गाइस, अब हम पहुंचने वाले हैं सेलुलर जेल में। देखिए आप, मौसम कितना अच्छा है, किनारे किनारे कोकोनट के पेड़ देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, हल्के हल्के बादल लगे हैं, बारिश होने की भी संभावना है। तो वेलकम टू सेलुलर जेल। देखिए बस आने वाला है, पहुंच चुके हैं, आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए और बताइए आप कि कमेंट्स में बताइए आप कि आपको कैसा लगा ये सफ़र।
सो गाइस देखिए वाटर के साथ लाइटिंग अच्छी लग रही है, थोड़ी लाइटिंग कम हो गई है, ये थोड़ी ज़्यादा होती तो और अच्छा लगता है। तो गाइस ये देखिए इंदु भूषण राय का स्टैचू, देन सेकंड स्टैचू बाबा भान सिंह, ये पंडित राम रखा का स्टैचू, और ये है महावीर सिंह का स्टैचू, और ये है मोहित मोहित्रा का स्टैचू। ये लास्ट स्टैचू है गाइस मोहन किशोर नामदास का। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।